बिहार में बीजेपी को मिली करारी हार के बाद अब यूपी में भी हार का डर सताने लगा है। अपने कार्यालय से वो संगठन हटा दे जो हर हिंदू को, जो गांधी जी के बताए रास्ते पर सबको साथ लेकर चले, उसे वो गैर हिंदू बता देते हैं। प्रधानमंत्री जी नैतिकता का लवादा भी ओढ़कर आए। तो बिहार हार का यूपी में साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है। बिहार में एनडीए की पराजय पर कांग्रेस का चुटकियां लेने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भाजपा के खात्मे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और वहीं बिहार में पार्टी के अच्छे प्रदर्शन से उत्साहित कांग्रेस यूपी के विधानसभा चुनाव में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ सकती है, इसके लिए पार्टी में विचार मंथन चल रहा है। बिहार की जो भी चुनाव परिणाम आए हैं, निश्चित रूप से इसके दूरगामी परिणाम होंगे और आने वाले हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो ताकतें खड़ी होंगी वो विजयी होंगी और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पराजय का दौर शुरू हो गया है। मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और निश्चित रूप से आने वाले हर चुनाव में मोदी के नेतृत्व में भाजपा चुनाव हारेगी। कानपुर में पूर्व केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल बिहार में बीजेपी की हार पर निशाना साधा है और कहा है कि पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वो देश के पहले पीएम हैं जिन्होंने किसी राज्य के चुनाव में इतनी रुचि नहीं दिखाई। जेडीयू और जेडीयू की एकता का श्रेय सोनिया गांधी को देते हुए कहा है कि बिहार की जनता ने सांप्रदायिक ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी धर्मनिरपेक्षता का राग अलापती है, लेकिन पार्टी की धर्मनिरपेक्षता सामने आ गई है। उन्होंने अमित शाह और आरएसएस पर भी जमकर निशाना साधा। कल बिहार के चुनाव परिणाम हमारे देश के सामने आए हैं। इस परिणामों ने कौन जीता कौन हारा इसका महत्व कम है, महत्व इस बात का ज्यादा है कि इन परिणामों ने यह सिद्ध किया है कि हमारे देश की राजनीति कोई कितना भी ताकतवर या कद्दावर नेता हो, कभी हमारे सांप्रदायिक सौहार्द को कमजोर नहीं कर सकते। किसी ने पाकिस्तान में पटाखे छुड़ाने की बात की, किसी ने गाय की बात की, बीफ की बात की, लेकिन अंततोगत्वा बिहार की जनता ने यह सिद्ध किया 65 साल की उम्र में इस तरीके की नौटंकियां हम बहुत देख चुके हैं और हमारी सेहत पर इन चीजों का कोई असर नहीं। कांग्रेस पार्टी, जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल, इन तीनों ने मिलकर इस चुनाव को लड़ा है, ये अपने आप में अद्वितीय है। इतने सारे प्रश्न उठाए जा रहे थे, लेकिन जिन्होंने जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल को एकजुट किया था, उन्होंने अपनी साख को निभाने का काम किया। श्रीमती सोनिया गांधी